मैं एक्चुअली एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। मैंने इंजीनियरिंग करके मैंने काम भी किया। जब भी मैं गांव में मूव हुआ था सिटी से, कचरा डिस्पोजल का प्रॉब्लम था, तो मेरा ओन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा सोच बढ़ाया था। अगर मैं मेरा कचरा संभाल सकता हूँ, दूसरे लोगों को भी मैं सिखा सकता हूँ। इसी तरह से मैंने मेरा ओन सिस्टम मैंने बनाया। तो ये 10-15 साल पहले था, उसके बाद मैंने ये काम चालू किया। हम कचरा अलग से लेते हैं, हम मिक्स नहीं लेते। गीला कचरा अलग से और सूखा कचरा अलग से। ये तो गीला कचरा का डिस्पोजल सिस्टम, यानी इंग्लिश में हम उसको कंपोस्टिंग यूनिट या खाद बनाने का यूनिट। हम ये यूनिट के अंदर गीला कचरा डालते हैं। ये कचरा को सड़ने के लिए 3 महीने लगते हैं। 3 महीने के बाद हम ये खाद निकालते हैं इससे और हम गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। ये सिस्टम पूरा सस्टेनेबल है, मतलब इसमें कुछ बाय प्रोडक्ट्स नहीं है। कचरा का फैसिलिटी इधर है, तो वो हम गोनी में भर के इधर लाते हैं। ये हमारा सॉर्टिंग फैसिलिटी है मरगांव इंडस्ट्रियल एस्टेट में। अभी ये जगह में जो कुछ कचरा आते हैं, इसका फाइनल डेस्टिनेशन हम इधर ही भेजते हैं, उसको रिसाइकल करने के लिए या डिस्पोज करने के लिए इन अ सेफ एनवायरनमेंट। 20 कैटेगरीज अलग अलग करते हैं, जैसे कांच का, हरा कांच, वाइट कांच, लाल कांच, जैसे पेपर में न्यूज़पेपर, मैगजीन, वाइट पेपर, कलर पेपर, कार्डबोर्ड, ऐसा हम ऐसा बहुत सारे कैटेगरीज है। छाटते समय हमारे स्टाफ लोग हैं, उनको ट्रेनिंग मिला है इसको कैसा छाटना है, सेफ्टी इक्विपमेंट डाल के वो लोग सब आइटम्स अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं। ये एक्टिविटी करने के बाद हमारा कचरा रिड्यूस होते हैं 85%। बचा हुआ कचरा 15% का नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट को हम गोनी में भर के सरकार को देते हैं। वो लोग उसको एनर्जी रिकवरी करके उसको डिस्पोज करते हैं। अभी तो ये सब काम करने के बाद 1-2% कचरा बच जाते हैं। आज वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्पोज करने में। वो हम उसको बोलते हैं पैम्पर्स या डाइपर्स या लेडीज़ का सैनिटरी पैड्स। ये आइटम बहुत मुश्किल है डिस्पोज करने के लिए, क्योंकि वो नॉन रिसाइकलेबल है, नॉन कंपोस्टेबल है, नॉन डिस्पोजेबल, बर्नेबल भी है। इसलिए हम आज सरकार से पूछ रहा हूँ इससे क्या करना है हम वो कचरे से। और हमारा रिस्पांस जो मिला है कि वो बोल रहे हैं कि हम थोड़ा टाइम के लिए स्टोर करो। तो हम अभी खाली गोनी में भर के एक गोडाउन में हम स्टोर कर रहे हैं। काफ़ी 3 साल से हम स्टोरेज कर रहे हैं, हम उसका डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, इसलिए हमने अभी आज तक 8 या 9 टन इकट्ठा किया है। वी आर हैप्पी विथ क्लिंटन वास बोरे काम होता बोरे बच्चे तक स्टाफ देखो बोरे को घता ये सगले चेक कर 90% हमें टार्गेट अचीव जला ऑफ पीपल गिविंग द गार्बेज ड्राय गार्बेज आनी ती सेग्रिगेट कोन आमी बरे भाशेन तो सेग्रिगेट कोता एंड इट इज गोइंग वेर एवर इट हेज टू गो टू प्रॉपर चॅनल वयता सारखी इट इज नॉट बीन लिटर्ड एनीवे एंड आतां आमचो विलेज क्लीन आहा रोड सायड कांय मेळचें ना एंड एवरीबडी इज हॅप्पी आता कचरो जो कलेक्शन करपाक लागला ताका लागून आता चेंज कितें जाला हांगासर चेंज जाला म्हणल्यार आतां आमकां एक टेंशन हेडेक ना की आमकां कचरो एकटेन करून खंय तरी उडोवपाक वचपाक जाय आसा ना आमचो अननेसेसरी टायम वेस्ट जायना सेकेंड आमकां फक्त एक 2 बिन्स आमी मेनटेन करता जे गार्बेज आमी वेट आनी ड्राय म्हणून 2 सॉर्ट आवट करता आनी ते डोर टू डोर येवन आमचे कलेक्ट करून हांगाच सेग्रिगेट करून हें करता सो आमचें खूब काम कमी जाला आनी हांगा सगळ्या निवळसाणी वाडल्या
आनी एटलिस्ट आमी हें पोल्युशन करना. आनी आतां आनीक बरें जालां की हे वेट वेस्ट आसा ते कलेक्ट करून ते फर्टिलायजर करून आमकांच परत दिता की आमी झाडांक बीन घालून आमी मातशें आमचें हें बरें जालां गार्डनींग बीन. हमारे साथ अभी 22 लोग काम करते हैं. थोड़े लोग कलेक्शन में रहते हैं, थोड़े लोग सॉर्टिंग में रहते हैं और एक दो बंदे गाड़ी भी चलाते हैं. मगर सब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है कि हम कचरा को साफ करते हैं. घर घर सीटी बजाते हुए रोड में जाता है, उन लोग को मालूम पड़ता है हमें आया कचरा लेने के लिए. जो लोगों को रहता है वो बाहर लाता है, मैं सब उसको जो देता है कुंडा लेके आता है. तुम्हारा काम कितना बजे शुरू होता है, कितना बजे तक? काम 9:30 बजे से 2 बजता है आने में. थोड़े लोग हमारे लोगों को बोलते हैं कि हम कचरा में इतना काम करते हैं, हम गंदे लोग हैं. बस एक्चुअली वो तो बिल्कुल सही नहीं है. हम एक्चुअली कचरा और गंदगी को सफाई करते हैं. हम इन अ सेफ एनवायरनमेंट हम सब कुछ कलेक्ट करके डिस्पोज करते हैं. हम बार बार समझाते रहते हैं कि हाँ वो अलग करो, ये अलग करो. मतलब प्लास्टिक जो पन्नी आता है, बॉटल आता है, कांच का हो वो अलग रखो, सब एक एक में मिक्स कर देते हैं. वो ला के हमको बहुत देरी तक का काम करना पड़ता है. होता है ना, वो सब मिक्स डालने से इंजेक्शन जो होता है हमारे हाथ में भी लग सकता है, कांच हाथ फाट सकता है, और जो पैम्पर आता है बच्चे का वो स्मेल होके हमको पूरा बास आता है. इससे अच्छा है कि अलग अलग डालो ना, सबको भी हेल्प होएगा और अच्छा है. जो आप देख रहे हैं ये मेरा मॉडल है कि ये बिल्कुल अच्छा तरह से चल रहा है. लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, मुझको डिसेंट सैलरी मिलता है और एनवायरनमेंट को भी बहुत बेनिफिट होते हैं. इसलिए मैंने सोचा है कि ये मॉडल देख के और थोड़ा यंगस्टर्स, कॉलेज बच्चों जो पढ़ाई करने के बाद वो लोग काम के लिए सोच रहे हैं, वो भी ये इनिशिएटिव में ज्वाइन करेंगे. इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी. और मेरे ख्याल से अगर 40 एंटरप्रेनर्स गोवा में ये वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव लिया है जैसे मैंने लिया है, हमारा गोवा में हमको डिस्पोजल साइट, डंपिंग साइट, बर्निंग साइट का ज़रूरी नहीं है.